हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं देखिए आपको लंच बैग बनाना बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। इसके पहले भी मैंने दो वीडियो डाला है बैग का, सारे अलग अलग प्रोसेसर हैं, अलग अलग हैं, कटिंग, सिलाई, स्टिचिंग सब कुछ मैं आप इसको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बैग को बनाने के लिए एक हमको लाइनिंग चाहिए और एक फैब्रिक चाहिए कपड़ा, और एक हमको लाइनिंग और एक बकरम। बकरम की जगह आप फोम सीट यूज़ कर सकते हो, प्लस राइस बैग, मतलब आप जिसमें दाल चावल आते हैं वो बोरी भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने बकरम लिया है। तो बकरम और ये कपड़ा और ये लाइनिंग अस्तर जो हम नीचे डालेंगे, और ये दो पीस वेलक्रो। तो यही सामान से हम आज इतने ही सारे चीज़ लगने हैं, और इससे मैं एक बढ़िया सा बैग आपको बना कर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसका नाप बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई हमारी 17 इंच है ये, और इसकी लंबाई यहाँ हमारी फोल्ड है, ये देखिए, ये फोल्डिंग हमारी 18 इंच है, ये देखिए 18 इधर से है हमारी और 17 इंच हमारी इधर से है। तो ऐसे ही सेम हम कपड़े को भी कट कर लेंगे और सेम नाप से हम अस्तर को भी कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद, तो ये देखिए, मैंने बकरम को भी जोड़ दिया है, थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको और कपड़े को, फैब्रिक को हम चारों तरफ से सिलाई करके पूरा वन पीस बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस दोनों को जॉइंट कर लिया, एक कर लिया बकरम को, अब इसको हम उल्टा करेंगे। जी हो गई। तो ये देखिए, जिधर हम मोड़े ही हैं फोल्ड वाली तरफ, 3 इंच हम इधर से निशान लगाएंगे और 3 हम इधर से लगाएंगे। जी 3 इधर से और 3 इधर से, इसे हम कट कर लेंगे। इधर कट कर लिए, ऐसे ही हम इधर भी कट कर लेंगे, इधर भी हो गई। अब इधर हम क्या करेंगे, इधर से 3 इंच लगाएंगे, इधर से हम 5 इंच लगाएंगे। ऐसे इसे भी कट कर लेंगे और 3 इंच इधर से चौड़ाई में और लंबाई में, 5 इंच इधर भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। देखिए इधर भी कट हो गया, इधर भी कट हो गया, अब इसको हम सीधा करेंगे, अब इसके ऊपर हम अस्तर लगाएंगे। तो ये देखिए, इधर हम ऐसे सिलेंगे, इधर हम ऐसे सिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से सिलेंगे यहाँ तक। अभी हम आपको बताते हैं, ये ऐसे सिलिए, फिर ऐसे सिलिए, फिर ऐसे सिलिए, फिर ऐसे सिलिए, फिर ऐसे सिलिए, ऐसे चारों तरफ इधर से सिल लीजिए, फिर ऐसे ही इधर भी, ऐसे इधर भी सिल लेंगे, दोनों साइड पहले सिल लेंगे। तो ये देखिए, लाइनिंग मैंने लगा ली, अब इसको देखिए, कपड़े को हम कट कर लेंगे। ये ऐसे इधर भी कट कर लेंगे, इधर भी,
और इधर भी और इधर भी चारों तरफ कट कर लेंगे। ये देखिए कट हो गया। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने से पहले थोड़ा हम ऐसे ऐसे कट लगा लेंगे, तो हमारी जब कट लगा लेंगे तो हमारा सीधा करने में बहुत अच्छे से आ जाएगा। सीधा कर लिए, देखिए अब सीधा करने के बाद क्या करेंगे, चारों तरफ से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे दाब सिलाई। इसके बाद इसको भी कट करेंगे। जब पूरा दाब सिलाई लगा लेंगे तब हम इसको और इसको कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ भी हमने लगा लिया। अब इसको भी हम कट कर लेंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। कट कर लिए। अब इसके बाद देखिए ये दो हम, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने अपना नाप बता दिया, यहाँ पे बता देती हूँ। इसको मैंने सिल लिया है पकड़ने के लिए फंदे। तो ये देखिए जी तैयार हमारा 24 इंच है जो सिलाई में चले जाएगा उसका। तो ऐसे मैंने दो बनाया, एक दो, तो एक उधर हम लगा देंगे और एक इधर हम लगा देंगे। तो इसको हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं। यहाँ से देखिए जो ये हमारा 5 इंच है, यहाँ से थोड़ा डाउन एक हम यहाँ पे लगा लेंगे और एक हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और ऐसे हम यहाँ पे भी लगा लेंगे सेम नाप। बस यहाँ से 1.5 इंच 2 इंच नीचे करके आप अपने हिसाब से इसे लगा लीजिए। तो ये देखिए इधर भी मैंने लगा दिए, इधर भी मैंने लगा दिए। अब इसमें क्या करेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे, टॉप स्टिच इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। मतलब चार इधर लगाने हैं, चार इधर लगाने हैं। बता दिए इस कट से लेकर इस कट पर, इस पर लगाने हैं, इस पे लगाने हैं, इस पे लगाने हैं और इस पे लगाने हैं। तो चार हमारे इधर लगेंगे और चार हमारे इधर लगेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो चार इधर और चार इधर, मतलब 4+4 8 टॉप स्टिच लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे टॉप स्टिच लग गए, ये इधर भी लग गए और इधर भी लग गए। तब इधर हम जॉइन करेंगे, पहले इसे उल्टा करेंगे ये। अब ये देखिए इसको हम इधर से जॉइन करेंगे और इधर से जॉइन करेंगे। इसको जॉइन करने पे हमको थोड़ा सा एक बार ध्यान देना है, इसे हम जॉइंट करेंगे। जब इसे जॉइंट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको एक्स्ट्रा कपड़े लगाने हैं। एक्स्ट्रा जॉइंट करने के बाद हमको ऐसे कपड़े को मोड़ के ये ऐसे दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। ये देखिए ये, तो दोनों तरफ से हमको ऐसे ही कपड़े लगा के सिलाई कर, इधर से भी, ताकि ये सिलाई हमारी दिखे ना। तो देखिए इधर भी मैंने मोड़कर पट्टी लगा ली और इधर भी लगा ली। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ से सिलाई करेंगे और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से पकड़ के हम सिलाई कर दें। तो एक इधर करेंगे और एक इधर करेंगे। तो ये देखिए ये कॉर्नर हमने सिल लिया। अब इसको हम सीधा करेंगे, तो ये देखिए बैग को मैंने सीधा कर लिया। तो ये देखिए लंच बैग हमारा बन के रेडी हो गया। इसको हम देखिए ये ऐसे खुलने वाला है, तो इसमें हम दो सेट बैग को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे, लगा के फिर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए बेल्क्रो हमने लगा लिए
इसको यहाँ से टच कर देंगे और इसको यहाँ से। तो देखिए हमारा लंच बैग बनके रेडी हो गया। ये देखिए लंच बैग बनके रेडी हो गया। देखिए कितना जगह है इसमें। ये देखिए बैक साइड नीचे की तरफ कॉर्नर पे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसे लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।